रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 4, काउनन क्लास 2 का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है एंड वीक ये सेकंड वीक का सेकंड लेक्चर है जो आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं एंड डेट इज़ 11 दिसंबर फ्राइडे 2020। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ लेक्चर। ओके जी, पेज नंबर 105 टुडे एंड क्वेश्चन इज 2। ये मनी का ही टॉपिक है जो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बच्चों ये देखें, फाइंड द टोटल अमाउंट इन कॉलम ए, देन टिक नोट्स ऑफ द सेम वैल्यू इन कॉलम बी। हमने क्या करना है जी, ये जो उसने रुपीज़ हमें दिए हुए हैं ना, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक तो 17 रुपीज़ है, एक 29 रुपीज़ है। पहले हम इनको प्लस करेंगे, प्लस करने से जो आंसर आया हमारे पास, उनमें से इन नोट्स के ऊपर टिक लगाएंगे, इन नोट्स और कॉइन के ऊपर हम टिक लगाएंगे कि कौन से इसने यूज़ हम यूज़ करेंगे 46 के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो उसने ऑलरेडी खुद से सॉल्व किया हुआ है। 7 + 9 कितने हो जाएंगे, 16। 6 लिखेंगे यहाँ पे और कैरी दे देंगे यहाँ पे। 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4। तो 46 के लिए उसने देखिए 20 एंड ये 45 एंड ये 1, यानी इन पैसा को, इन रुपीज़ को हम जमा करें, कलेक्ट करें तो हमारे पास 46 रुपीज़ बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह बी क्वेश्चन देखें, इसमें उसने क्या किया हुआ है जी, हम 3 + 8 कितने हो गए, 11। 1 लगाएंगे, 1 कैरी दे देंगे। 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6। सो 61 हो गए। अब यहाँ पे आपने जो पैसा जमा करने हैं ना, वो करने हैं 61 के लिए 50, ये 10, 60 हो गए और ये 1। तो मैंने इसके ऊपर टिक लगा दिया। आपके नोट्स जो स्कूल की तरफ से मिले उनमें ये टिक्स नहीं लगे हुए, ये सॉल्व है सारे क्वेश्चंस, तो ये इतने मज़े के क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद इन पर टिक लगा लेने। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें 36 है और 27 है, इनको प्लस करें तो 63 आ रहा है आंसर। आपने क्या करना है, इनमें जी लगाएं, क्या कैसे होगा, 63, 20, 40 एंड 60 और ये 2 रुपीज़ एंड ये 1 रुपीज़। इन पर मैंने टिक किया तो ये बन गए 63 रुपीज़। उसके बाद 54 एंड 16, इनको प्लस करें तो आंसर आ जाता है 70। तो 50, 60 एंड 70। ठीक है, इन रुपीज़ को हमने कलेक्ट करना है, ये मनी हमने जमा करनी है, ये वाला आंसर बन जाए हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही, ये दो क्वेश्चन हुए हैं, बाकी आपने खुद करने। ये जी हमारे पास नोट्स हैं, ये स्कूल की तरफ से हमें दिए गए हैं। अभी देखिए इनके ऊपर जो आपने सॉल्व करने हैं पैसा, उसको देख के बुक सामने रख लें, क्योंकि इन पे क्लियर नहीं है थोड़े, तो आपको बुक से इजीली पता चल जाएगा। तो इन पे जो है आप अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करें, समझें और ये बुक पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि शीट्स पे आप नोट्स वगैरह तो नहीं बना सकते ना, असाइनमेंट जो आप बना रहे हैं, तो बुक पे ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो इनकी अच्छे तरीके से पहले प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।